ने शुभारंभ किया है ध्वजारोहण के साथ। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं भारत मंडपम से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ किया है और शंखनाद के साथ ये शुभारंभ हुआ है। ये भारत मंडपम से ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारत मंडपम पहुंचे और वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन का शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में शुरू हो चुका है और शनिवार की सुबह यानी कि आज पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए जीत का मंत्र पदाधिकारियों को दिया है। और इस मंत्र में ये कहा गया है कि जीत का आंकड़ा इस बार बीजेपी का 370 रहेगा और एनडीए का 400 रहेगा और अगले 100 दिन जो होंगे वो इन पदाधिकारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब सबको कमर कस लेनी चाहिए और जो संपर्क अभियान है वो 25 फरवरी से शुरू होगा और जन जन तक यह संदेश दिया जाएगा कि 10 साल की जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की वो जन जन तक पहुंचे और ये संदेश जाए कि पिछले 10 साल जो भाजपा ने कार्यकाल में अपने उपलब्धियां हासिल की हैं वो लगातार जनमानस तक पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र मिश्र भारत मंडपम से। शैलेंद्र, शंखनाद बज चुका है, शुभारंभ हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण कर दिया है, आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? बिल्कुल, एक समसामयिक विषय पर मोदी की गारंटी, विकसित भारत संकल्प पर, इस पर एक अलग से चर्चा भी है, उस पर चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर जहां तक औपचारिक शुरुआत की सवाल है, हमने देखा कि ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी का 2 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन संबोधन होगा और यहां से एक मार्गदर्शन लेकर 11,000 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। आज ही जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और कहा था 370 सिर्फ सीट नहीं है जो बीजेपी के लिए निर्धारित की गई है आगामी लोकसभा चुनाव में, बल्कि कार्यकर्ता 370 सीट बीजेपी को जीत दिलाकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के को एक श्रद्धांजलि देंगे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने का नारा दिया था। जी शैलेंद्र, अभी हमने सुबह भी देखा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया और साथ ही कहा है कि अगले 100 दिन जो होने वाले हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अगले 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 270 तक जाओ, खासतौर पर जो पहली बार बने मतदाता है, जो महिला मतदाता है, उनको उनसे सीधे तौर पर संपर्क किया जाए और जिस तरह से तमाम कल्याणकारी योजनाओं में काम हुआ हो रहा है उसके बारे में बूथ स्तर तक बताया। और एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि हर बूथ पर कम से कम पिछले चुनाव के मुकाबले, पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 370 वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पाए, ये सुनिश्चित करना है। तो बहुत एक तरह से अहम लक्ष्य के साथ ये बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधन किया है, वहां से एक जो एक संकेत मिलता है, बीजेपी एक तरह से एक मंत्र के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मंत्र के साथ इस राष्ट्रीय अधिवेशन के लक्ष्य रख रही है और उसकी संकेत स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में मिल गए। ठीक, साथ ही शैलेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मोदी 3.0 जो है वो विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही पदाधिकारियों की बैठक में एक बात और कही गई है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तूतू मेमे की राजनीति करेंगी लेकिन कार्यकर्ताओं से को इसके अलग विकास की गाथा पर आगे बढ़ना है और जो भी भाजपा ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है या फिर जन जन तक पहुंचने का काम किया है उन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। देखिए, आज की जो राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक हुई हफ्ते पहले, उसमें स्पष्ट तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा कि महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर रखा है कि विकास गरीब कल्याण के आधार पर जनता के पास जाए, यानी जो नकारात्मक मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उस पर ध्यान न देकर बीजेपी के कार्यकर्ता जो सकारात्मक मुद्दे हैं, जो गरीब कल्याण के लिए जो सरकार ने काम किया है, जो विकास के लिए काम किया है, वो जनता के सामने लेकर जाए। जी, इसके साथ ही शरण, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या 4:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अध्यक्षीय भाषण भी होगा और उसके बाद क्या प्रस्ताव रखा जाएगा? देखिए, आज पहला प्रस्ताव रखा जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण के बाद,
जिसमें ये राजनीतिक प्रस्ताव होगा, रक्षा मंत्री उसे पेश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि तमाम राज्यों में जो राजनीतिक हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनका जिक्र किया जाएगा।